ने बताया कि तमिलनाडु में एक नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में सरकार द्वारा कोताही बरती जा रही है। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर माक्रोन से रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से मंडी चौराहे पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तथा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार सपना शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन निगम बैरागी ने करते हुए बताया कि एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि लावण्या तमिलनाडु के तंजावुर की रहने वाली छात्रा है। लावण्या ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे तंग आकर उसने जहर खाकर जान दे दी। इस मामले को तमिलनाडु सरकार द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में एबीवीपी माक्रोन द्वारा आंदोलन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर सपना राठौर, निशा शर्मा, संध्या राठौर, साक्षी शिवानी, पूजा शीतल, विमलेश, किरण, दुर्गा, सोना आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। माकडॉन तहसील संवाददाता ललित परमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे भारत में लावण्या को न्याय के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। लावण्या एक तमिलनाडु की थांजपुर की रहने वाली थी, जो कि एक सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही थी। उसको ईसाई धर्म के लिए प्रताड़ित किया गया। 9 जुलाई को उसमें हार मानकर जहर खा लिया। इसके बाद में अस्पताल में उसको ले जाया गया। 9 जनवरी के बाद में 11 जनवरी को उसने एक वीडियो जारी किया। उसने बताया कि मुझे महाविद्यालय की नन के द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए मैं हार मानकर जहर खा रही हूँ। इसके बाद 19 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस मामले को दबाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। हमारी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री दीदी निधि त्रिपाठी जी जब लावण्या को न्याय दिलाने के लिए तमिलनाडु में गई, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 34 साथियों को अन्य गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु सरकार से इनसे पता चलता है कि तमिलनाडु सरकार धर्म परिवर्तन का सीधा समर्थन करती है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई माकड़ून के द्वारा भी यहाँ पर लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक लावण्या के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती और लावण्या को न्याय नहीं मिल जाती।